गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे दावानल और बादल का फटना। जी हाँ, हाल ही के एक रिपोर्ट में पाया गया है कि हिमालयी क्षेत्रों में, खास करके उत्तराखंड में, जो जंगल में आग लगती है, फॉरेस्ट फायर जो होती है, वो कहीं ना कहीं वहाँ के बादल के फटने से संबंधित है। यानी कि बादल का फटना और वहां में जंगलों का आग लगना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथियों, हम सबको पता है कि जो प्राकृतिक या मानव जनित जो आपदाएं होती हैं, वो मानव के लिए शुरू से ही, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तब से आपदाएं मानव के सभ्यता का पतन का कारण भी बनी है। चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता रही हो या इंका और एजटा जैसी सभ्यताएं रही हो, कहीं ना कहीं से प्राकृतिक या मानव जनित आपदाओं से ही वो नष्ट हुए हैं। जब हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की, तो ऐसी आपदाएं जिसमें ये माना जाता है कि वो सीधे सीधे प्रकृति से के द्वारा उत्पन्न की गई आपदाएं हैं। लेकिन अगर उसको हम बहुत गंभीरता से वैज्ञानिक स्तर पर देखने का प्रयास करते हैं, तो हम पाते हैं कि कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो मानव का उसमें बड़ा हस्तक्षेप है। उन्हीं में से एक जंगल में आग लगना, और उसी का परिणाम माना गया है कि बादलों का फटना। तो आज के सत्र में हम लोग ये दोनों संबंधित कैसे हैं, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। ये जो मुद्दा है, ये आपके जीएस के पेपर सेकंड का भी और थर्ड का भी, दोनों में ये क्वेश्चन पूछे सकते हैं, और निबंध में भी आप इसको लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको प्रीलिम के लिए भी इसको तैयार करते हैं, कर सकते हैं, और ज्योग्राफी के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन के आपके लिए आता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड में जिस तरह से आए दिन बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर वैज्ञानिक पिछले कुछ समय से शोध कर रहे हैं। बादल फटने की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ती जा रही हैं, इस पर हेमवती नंदा बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तराखंड में श्रीनगर में स्थित है, और आईआईटी कानपुर, दोनों संस्थाओं ने मिल करके एक शोध किया है। और उस शोध में ये पाया है कि बादल फटने की घटनाओं में बढ़ोतरी का एक कारण जंगलों में लगी आग भी हो सकती है या है। अब आप कहेंगे कि जंगलों की आग लगने से और बादलों के फटने में क्या समानता हो सकती है, तो जरा आप पहले जाइए, थोड़ा सा हम आपको ले जाएंगे प्राचीन काल में, यानी कि वैदिक काल में। वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा और समझा भी होगा कि जब बारिश या वर्षा बहुत लंबे समय तक नहीं होती थी, तो ऋषि मुनि जो है वो यज्ञ करते थे। यज्ञ करने से वर्षा होती थी। अब यज्ञ करने से वर्षा होने के बीच में जो वैज्ञानिक कारण है, वही वैज्ञानिक कारण यहाँ पर आग, जंगलों में आग लगना और दावानल का होना और बादल के फटने में है। संबंधित कैसे है, इसको आप समझिए। और साथ ही ये जो शोध हुआ है, इसके अध्ययन की रिपोर्ट एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट जर्नल में भी पब्लिश किया गया है, यानी कि प्रकाशित किया गया है। तो आप अगर इस शोध को पढ़ना चाहते हैं, तो एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट जर्नल को आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और उससे आपको इसमें क्या संबंध है उसको आप डिटेल में समझ सकते हैं। मैं भी आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि संबंधित कैसे है। तो हाल ही में HNB यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा रिसर्च और IIT कानपुर रिसर्च ने, वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियर की सक्रियता को मापा है। अब क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियर, बादल जो होते हैं उनको संघनित करने वाले न्यूक्लियाई होते हैं, उनको हम लोग कह देते हैं बादल संघनित नाभिक, अंग्रेजी में कहते हैं क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियर।
इसकी सक्रियता यानी कि इसकी सांद्रता कितनी है इसको जो है मापा जाता है, एक यंत्र होता है CCN काउंटर। तो CCN काउंटर के द्वारा हम क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियर को मापते हैं। अब हम देखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि CCN होता क्या है। तो बादल, आपको पता है कि बादल कैसे बनते हैं, सूर्य का प्रकाश समुद्र पर पड़ता है, समुद्र का पानी वाष्पित होता है, इवेपोरेट होता है, और वाष्पित होने के बाद वो भाप के रूप में ऊपर जाता है। भाप के रूप में जब ऊपर जाने पर वो क्या बनता है, बादल बनता है। यहीं पर इन CCN की आवश्यकता पड़ती है। बादल बनने के लिए एक न्यूक्लियस यानी कि एक छोटा सा पार्टिकल चाहिए होता है जिसके चारों तरफ जो है वो बादल की बूंदे बनेंगी। बादल की बूंदे पानी से बनी होती है, लेकिन पानी को, जल वाष्प को पानी में कन्वर्ट होने के लिए, उसको कंडेंसेशन के लिए, संघनन के लिए छोटे छोटे कणों की आवश्यकता होती है। ये छोटे छोटे कण जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से भी बनते रहते हैं और ये कृत्रिम रूप से भी बनते रहते हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे कण जिनके चारों तरफ जल वाष्प संघनित होकर के बादल यानी कि जल की बूंदे, जो वर्षा की जो बूंदे बनाती हैं, इन्हीं नाभिक को हम लोग CCN कहते हैं, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियस कहा जाता है इसको, या न्यूक्लियर क्लाउड कह देते हैं। अब बात आती है कि इन CCN की आवश्यकता क्यों होती है। तो मैंने आपको बताया कि इन्हीं CCN के चारों तरफ जल वाष्प जो होते हैं वो कंडेंसेट होते हैं यानी कि संघनित होते हैं। संघनन का मतलब क्या होता है, संघनन का मतलब होता है कि जल वाष्प का फिर से लिक्विड में यानी कि जल के तरल पदार्थ में, तरल में कन्वर्ट हो जाना यानी कि भाप का जल बन जाना, इसको क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। और ये संघनन की क्रिया किसी न किसी नाभिक के ऊपर होगी, तो उस नाभिक का होना बहुत जरूरी है। इसी नाभिक को क्या कहते हैं, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियर कहते हैं। आम तौर पर देखा गया है कि इनका साइज 0.2 माइक्रोन के आसपास होता है, या जो बादल के जो बूंदे होती हैं, जो क्लाउड ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके साइज का 1/100 होता है। यानी कि एक बादल की बूंद के 100 हिस्से कर दीजिए, उसका जो एक हिस्सा होगा वो आपका CCN होगा। और ये ऊपर जाकर के जो जल वाष्प है वो इन्हीं के चारों तरफ क्या करते हैं, पानी का जमाव करते हैं और एक जल की बूंद बना लेते हैं। आप यहाँ पर इस डायग्राम में नीचे देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम में आप नीचे देख पा रहे होंगे, इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए, ये देखिए जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये CCN है, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉरी क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियस है। इसका साइज कितना है, 0.2 माइक्रोन है। ये बहुत जल्दी से संघनित होता है। संघनित होने के बाद, संघनित मतलब क्या हो गया, इसके चारों तरफ क्या हो गया, जो जल वाष्प थी वो जमा होकर के लिक्विड के फॉर्म में बन गई। जब ये लिक्विड फॉर्म में बन गई तो इसका साइज 20 माइक्रोमीटर हो गया, यानी कि इससे 100 गुना ज्यादा हो गई। तो इसका साइज 1/100 होता है इसके आधार पर। इसको क्या कहते हैं, क्लाउड ड्रॉपलेट्स कहते हैं। और जब ये और बड़ी हो जाती है तो वर्षा की बूंदे बना लेती है, और वर्षा की बूंदे क्या हो जाती हैं, नीचे जो है वो वर्षा करती हैं और पानी का, पानी के रूप में नीचे गिरेगा वही वर्षा कहलाएगी। तो अब यहीं पर देखा गया है कि क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियस की सांद्रता बढ़ जाती है, ये रिसर्च में देखा गया है। वैज्ञानिकों ने पहली बार मध्य हिमालय के इकोसिस्टम के रूप में जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, उसमें मौसम की विभिन्न स्थिति के प्रभाव में अधिक ऊंचाई वाले बादलों के निर्माण और स्थानीय मौसम की घटना की जटिलता पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया है। शोध में ये सामने आया है कि जब जंगल में आग लगती है तो ये जो नाभिक हैं, जो ये CCN हैं, इनको आर्द्रता ग्राही कण भी कहा जाता है। इन CCN को हम लोग क्या कह देते हैं,
आर्द्रता ग्राही कण भी कहते हैं, आर्द्रता को जो ग्रहण करते हैं, आर्द्रता ग्राही कण भी कहे जाते हैं, या इनको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल कह देते हैं, हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल भी इनको हम लोग कह देते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोस्कोपिक पार्टिकल भी कह देते हैं। तो ये देखा गया है कि जब जंगल में आग लगती है तो इनकी सांद्रता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हवन करते हैं तो जो लकड़ियां होती हैं उसमें घी डालते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके कंडेंसेशन से धूल, उसके जो कण होते हैं वो कण अधिक मात्रा में निकलेंगे, और जितने ज्यादा सीसीएन होंगे उतने ज्यादा जो है वो बादलों के कण बनेंगे, बादलों की बूंदे बनेंगी, और उतनी ज्यादा जो क्या होगी, बारिश होगी। तो आप सोचिए हवन करने से इतनी बारिश हो जाती है, और अगर अचानक से जंगल में आग लग गई है, पूरा जंगल जल रहा है, लकड़ियां जल रही हैं, तो आप सोचिए जरा कि कितने सीसीएन निकलेंगे, और जितने ज्यादा सीसीएन निकलेंगे और ये साइज में छोटे होते हैं उतना ज्यादा, ऊपर क्या है, जलवाष्प है, तो जितने ज्यादा सीसीएन निकलेंगे उतनी जल्दी से क्या बनेंगे, बादल बनेंगे, और इतने ज्यादा एक साथ बन जाएंगे और हल्के होंगे कि ये तुरंत क्या होंगे, छोटे सीसीएन होंगे, तो सीसीएन छोटे होंगे तो उनके चारों तरफ जल्दी बादल बन जाएंगे, और वो एक साथ क्या होंगे, अचानक से नीचे पानी गिरा देंगे, और जब एक साथ नीचे पानी गिरा देंगे उसी को हम क्या कह देते हैं, बादलों का फटना कह देते हैं। तो इनके आकार छोटे होने से बारिश की जो जमा हुई बूंदे होती है वो अचानक से तेजी से नीचे आती है पूरा, और कम समय में जोरदार बारिश करते हैं। बादल फटने की संभावना से इनकार नहीं किया सकता क्योंकि सीसीएन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये मान लीजिए क्या है, जलवाष्प है, जो पानी है लेकिन किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वाटर वेपर कहेंगे, जल वाष्प कहेंगे। और ये क्या है जो पीला वाला दिख रहा है, ये आपका क्या है, हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल है, यानी कि सीसीएन है, यही क्या है, ये सीसीएन है। तो इस सीसीएन के चारों तरफ क्या होगा, ये जो पानी क्या है यहाँ पर, ये क्या है, ये सीसीएन हो गया, और ये क्या है, ये वाटर है, लिक्विड फॉर्म में हो गया, पहले किस फॉर्म में था, गैस के फॉर्म में था, कंडेंसेशन यानी कि संघनन हो गया, तो संघनन होने पर क्या बन गया, ये क्लाउड ड्रॉपलेट्स बन गया, और ज्यादा जब कंडेंसेशन होगा इस पे और ज्यादा जब पानी बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, लार्ज क्लाउड ड्रॉपलेट बन जाएगा, और ये क्या होगा, इतना जब भारी हो जाएगा अपने आप को संभाल नहीं पाएगा तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। अब सोचिए एक पार्टिकल है, अगर आग लगी है तो कितना हो जाएगा, इस तरह के अरबों खरबों अनगिनत हो जाएंगे, तो जब अनगिनत हो जाएंगे तो क्या होगा, ये अनगिनत अनगिनत हैं, तो इनके सब पे क्या होगा, सबके तरफ क्या, सबके चारों तरफ क्या होगा, बादल के कण बनेंगे, और एक साथ इतने बादल बन जाएंगे पानी, और अचानक से क्या होंगे, ये गिर जाएंगे, तो क्या लगेगा कि बादल जो है वो फट गया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जलवायु कार्यक्रम के तहत बादलों को बनाने योम, उनको वर्षा करने वाले कण जो होते हैं उनको सीसीएन सांद्रता की माप के लिए जो है क्या कहा गया है, उसको सीसीएन काउंटर के द्वारा मापा गया है। अब बात आती है कि ये जो सीसीएन किस चीज के बने होते क्या है, ये तो सीसीएन जो होते हैं ये धूल के कण हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, ये धूल के कण हो सकते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, ये क्या हो सकते हैं, ये धूल के कण हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये राख हो सकते हैं, ऐश होते हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये नमक होते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं, इस तरह के जो पार्टिकल होंगे इनको हम लोग क्या कहते हैं, सीसीएन कहते हैं, और इनका साइज जो होता है कहा जाता है, और ऊपर जाने पर क्या होंगे, ये आपस में मिल जाएंगे। यज्ञ की मैंने बात आपसे की थी कि यज्ञ में यही होता है, जब हम यज्ञ करते हैं तो जो समिधा होती है जब वो जलती है, जब वो जलेगी तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से राख नमक और जो धूल के कण होंगे या इससे जो कण निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे, ये सब सीसीएन कहलाएंगे,
और जब सीसीएन ऊपर जाते हैं तो इसके तरफ क्या होता है, बादल के कण बनेंगे और बारिश हो जाती है। तो ये वैज्ञानिक कारण माना गया है, यज्ञ का एक, यज्ञ करना एक बारिश करने का एक वैज्ञानिक कारण है। आपने देखा होगा कि जब बारिश नहीं होती है तो चाइना या भारत में भी अन्य स्थानों पर हम क्या करते हैं, कृत्रिम वर्षा करते हैं। हम क्या करते हैं, कृत्रिम वर्षा करते हैं। तो कृत्रिम वर्षा में क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड क्या होती है, एक कृत्रिम सीसीएन होती है। ये कृत्रिम क्या है, सीसीएन है। इसको हम क्या कर देते हैं, वायुमंडल में डाल देते हैं। वायुमंडल डाल देंगे तो इसके तरफ चारों तरफ क्या होगा, बादल के ड्रॉपलेट्स बनेंगे और ये बारिश कर देता है। तो एक कृत्रिम वर्षा में भी हम सीसीएन का, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सीसीएन की संख्या, जो सीसीएन है, क्लाउड कंडेंसेशन, जो न्यूक्लियस है, यानी कि जो पार्टिकल हैं जिनके चारों तरफ बादल के कण बनते हैं, उनकी संख्या अलग अलग मौसम में घटती बढ़ती रहती है। सर्दियों में बर्फ गिरने और कोहरा पड़ने की स्थिति में अलग अलग होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जुलाई से लेकर के जुलाई, फिर अक्टूबर, फिर जनवरी, फिर अप्रैल और फिर जुलाई। तो जुलाई 2008, ये जुलाई 9 या डेट मान लीजिए, इसको जो भी मान लीजिए, हम जुलाई मान लेते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं जुलाई में सबसे ज्यादा है, यानी कि जब बारिश का महीना होता है जुलाई में, हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी सीएन की सांद्रता क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा हो जाती है। और जनवरी के महीने में आप देख रहे हैं सबसे कम है। और ऐसे ही आप देखेंगे जुलाई से जनवरी तक ये घटती है और फिर जनवरी से जुलाई तक क्या होती है, ये बढ़ती चली जाती है। तो ये सीसीएन का कंसंट्रेशन सर्दियों में बर्फ गिरने में, कोहरे पड़ने में, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होती है। बर्फ गिरने पर ये बेहद कम हो जाती है। और बर्फ कब गिरती है, दिसंबर से लेकर के लगभग जनवरी और फरवरी तक गिरती है, इसमें देख रहे हैं आप सबसे कम हो जाती है। तो बर्फ गिरने पर ये बेहद कम हो जाती है। हवा में मौजूद जो अतिशुष्क कणों पर जल वाष्प ठंडी होकर जब जमती है, यही आगे चल करके बादलों का निर्माण करती है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि हिमालय और गढ़वाल क्षेत्र में वायु प्रदूषण के कणों के स्रोत का पता भी लगाया जा सकता है कि कितनी दूरी से आए हैं, यानी कि ये वायु प्रदूषण जो हो रहा है वो कितनी दूरी से आए हैं, हम इसका भी पता लगा सकते हैं। इस चीज को हमको समझना है। तो आज के सेशन में हमने समझा कि दावानल यानी कि जंगलों में लगी आग और बादल के फटने में क्या संबंध है। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो संबंध ये है कि जब जंगलों में आग लगती है तो सीसीएन यानी कि क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियस यानी कि बादल संघनित नाभिक की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि बादलों के कणों का निर्माण इन्हीं नाभिक के चारों तरफ होता है। तो इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है तो बादलों के ड्रॉपलेट्स या बादल की जो बूंदे होती हैं, जल वाष्प की जो बूंदे होती हैं, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनती हैं। एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में जब बादल के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं तो एक साथ तुरंत जो है वो नीचे की ओर गिरते हैं, जो हम बादल के फटने के रूप में समझते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने ये समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।